हेलो दोस्तों, एक और शॉर्ट वीडियो की शुरुआत आप लोगों के सामने। बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को देखिएगा। आपका एक क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी संख्या में 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि उस संख्या के दोगुने को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बोल रहा है कि एक संख्या है, उस संख्या में जब 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि उस संख्या के दोगुने को जब उसी भाजक से अर्थात 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं। एक संख्या x है और इस संख्या को जब आप 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर यहां से कितना मिल जाता है, 5। अब बोल रहा है कि इस संख्या के दोगुने को, दोगुना करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, दोगुना यानी क्या हो गया 2x। जब इस 2x को इस 8 से ही भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। आपका प्रश्न यह कर रहा है। देखिए प्रश्न कुछ काफी लंबा टाइप पे है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को एकदम शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बना देंगे। आइए उस शॉर्ट ट्रिक को देखिए क्या है। एकदम सिंपल से तुरंत एकदम चुटकी में एकदम थोड़े से समय में प्रश्न आपका बन जाएगा। बोल क्या रहा है भाई कि जब 8 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना, 5। जब आप 8 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना, 5। तो बोल रहा है कि उसी भाजक से अर्थात उसी भाजक करने का मतलब 8 से, जब 8 से भाग देते हैं उसके दोगुने में तो शेषफल क्या मिलेगा। तो दोगुना जैसे कहे ना, तो ये जो रिमाइंडर 5 दिया हुआ है इसको दोगुना कर दीजिए, तो 5 का दोगुना कितना, 10। जब 5 को दोगुना किए तो कितना, 10, और 10 में इसी से भाग दे दीजिए अर्थात 8 से, तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 2, और 2 इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना शॉर्ट ट्रिक से बन गया। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।